ऑनलाइन स्नेचिंग और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए हरिद्वार SSP ने चीता पुलिस का गठन किया है। दरअसल हरिद्वार में महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, साथ ही अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे। अब चीता पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्रवाई करेगी। इसके लिए आज हरिद्वार SSP अजय सिंह ने 10 चीता पुलिस बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। SSP अजय सिंह का कहना है कि चीता पुलिस की प्राथमिकता कंट्रोल रूम पर आने वाली सूचना को सुनना होता है। फील्ड में जब चीता पुलिस कार्य करती है तो लोगों में विश्वास होता है, क्योंकि चीता पुलिस घटनाओं को रोकने में अहम योगदान निभाती है। इसी को देखते हुए 10 चीता पुलिस बाइक को शहर में लगाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका गठन किया जाएगा। जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है, और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है, और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं, और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सकें, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो, तो इस तरह से एक उनके किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंद्राज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करें, इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। उत्तराखंड में क्राइम के रोकथाम के लिए उत्तराखंड के पूर्व DGP BS सिद्धू की ओर से CPO का गठन किया गया था, मगर CPO सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित रही, आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम रही। अब देखना होगा कि चीता पुलिस के गठन के बाद हरिद्वार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम लेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पंजाब केसरी TV के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।